हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल दीपक। और फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जैसे प्राइवेट कैसे करें अपने अकाउंट को, सेटिंग्स समझाऊंगा दोस्तों आपको, फेसबुक की, क्योंकि आजकल फेसबुक के ज़्यादातर डाटा जो लीक हो रहे हैं और दोस्तों हर कोई भी फेसबुक को हैंग का जो हैक कर पा रहा है, तो उसके कुछ टिप्स हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और हो सके तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और मैं बताऊंगा आपको कि अपने अकाउंट को कैसे प्राइवेट करें। कि ज़्यादातर बॉयज आपको, यदि गर्ल्स है कोई तो गर्ल्स के लिए ये है कि अच्छा रहेगा उनके लिए ऑप्शंस, क्योंकि हर कोई बॉयज उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर पाएगा। ज़्यादातर गर्ल्स के लिए वीडियो बन रही है, तो दोस्तों मैं आपको गर्ल्स के लिए ही वीडियो बनाऊँगा क्योंकि गर्ल्स के लिए प्राइवेट अकाउंट चाहिए, बॉयज़ के लिए ज़्यादातर पब्लिक अकाउंट ही रखते हैं बॉयज। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको। ये जो आपके तीन ऑप्शन आ रहे हैं उस पर क्लिक कर देने के बाद में आपको क्या करना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद में आपको अकाउंट सेटिंग देखनी है और अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद में आपको किस पे प्राइवेसी पे क्लिक करना है। प्राइवेसी पे जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे इसमें। तो दोस्तों आपको जो ऑप्शन है वो खास करके ये सेलेक्ट करना है कि आपको कोई भी बंदा या कोई भी बॉयज़ एंड गर्ल्स आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड न कर पाए, उसके लिए आपको इस पर क्लिक कर देना। और इस पर क्या करना है आपको, यदि आपके स्टार्टिंग जब आप अकाउंट बनाते हैं तो दोस्तों उसमें ये जो ऑप्शन होता है वो एवरीवन का होता है, जिसकी वजह से आपको हर कोई बॉय या गर्ल्स आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर पाता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि इसको जो फ्रेंड्स और फ्रेंड्स पर क्लिक कर देना, जिसकी वजह से फ्रेंड्स और फ्रेंड्स हो जाएगा कि आपके जो मैचुअल फ्रेंड होंगे, फ्रेंड का फ्रेंड होगा वही आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर पाएगा, वरना कोई भी पब्लिक का जो भी होगा पब्लिक आपको सेंड नहीं कर पाएगी जो फ्रेंड रिक्वेस्ट। और चलिए दोस्तों मैं एक बार, तो जैसे दोस्तों फ्रेंड्स आपके लिए जो वीडियो जाती है वो बहुत सारी होती है और दोस्तों आपको पूरी जानकारी नहीं दी जाती, तो दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूँ कि आपके अकाउंट बहुत ही अच्छी तरीके से आप प्राइवेट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों जिसमें भी आप हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट, तो इसमें आपको जो है ऑप्शन है बहुत सारे ऑप्शन आएंगे दोस्तों। सी मोर में भी जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्पेसिफिक फ्रेंड्स, ओनली मी फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड और उसके बाद में फ्रेंड्स या पब्लिक। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यदि आप ज़्यादातर अपना अकाउंट प्राइवेट रखना चाहते हैं कि आपका कोई भी पोस्ट है वो नहीं देख पाए, तो उसके लिए ओनली मी कर देना है। यदि आप ओनली मी नहीं करें तो फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स देख सकते हैं, जो अपने फ्रेंड सेलेक्ट कर सकते हैं कि उनको अपने पोस्ट दिखे। तो चलिए दोस्तों ये थी आपके, और उसके बाद में जो बहुत सारे हैं इसमें आपकी जो पेज बनाए हुए वो कौन देख पाए, पब्लिक रखना है उस या ओनली मी रखना है या फ्रेंड्स टू फ्रेंड, तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे यहाँ पर मिलेगी। डेट ऑफ बर्थ आपको हाइड कर सकते हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हर कोई नहीं देख पाएगा आपका ईयर है। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका कॉन्टैक्ट कोई भी आपको कॉल नहीं कर पाएगा दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं इसमें। आप सभी में या तो एवरी वन करिए या फिर अपना फ्रेंड टू फ्रेंड्स या एक्सपेक्टेड फ्रेंड्स या अपना जो ऑप्शन आता है लास्ट ओनली मी, तो ओनली मी में आपको सिर्फ आपकी खुद को ही दिखेगी पोस्ट होगी जो भी होगी। तो दोस्तों जितने भी फीचर्स होंगे अपने आपको दिखेंगे, किसी और को नहीं दिखेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल टेक्निकल दीपक को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दोस्तों हो सके तो शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, कल दोस्तों नई वीडियो में मिलेंगे आपसे। धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।